की एक डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, बेस्ट ब्रांड, और एक सपना वेस्टीज, वेस्टीज जैसी सोच शायद ही किसी कंपनी की हो। ऐसा ऐसा सोचती है हमारी कंपनी, जो लोग दिमाग में आता नहीं है वो हमारी कंपनी सोच भी लेती है और कर भी लेती है। अब देखिए, ये इंडिया गेट पे, गेटवे ऑफ इंडिया पे एक पिक्चर विजुलाइज किया गया, आवर ड्रीम, हमारी कंपनी का सपना, आवर ड्रीम इज टू एम्पावर 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग टू ओन अ कार, एंड वी विल अकम्प्लिश दिस गोल थ्रू आवर हार्ड वर्क। हम अपनी कड़ी मेहनत से अपना ये सपना पूरा करेंगे कि 10 लाख लोग वेस्टीज के माध्यम से अपनी मन पसंद गाड़ियां, जिनमें लग्जरी कार्स भी हैं, ले सके, जिनमें से आज जो कार बुक आई है, ऑलरेडी आप जानते हैं बहुत सारे लोग जो वेस्टीज से जुड़े हैं कि वो कार बुक के माध्यम से बहुत से लोगों के सपने पूरा हो चुका है, जिनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, और बहुत सारे लोग जो बैठे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, उनका भी नेक्स्ट एनिवर्सरी आते आते तक न मालूम कितने सपने पूरे हो चुकेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे, राइट। वेस्टीज लेके आते हैं एक से एक बढ़िया ब्रांड। आज हमारी कंपनी डेयर, आप सब जानते हैं डेयरिंग, डेयरिंग वर्ड तो सबको पता है, सबको पता, अगर सलमान खान अच्छा लगना अच्छा लगता है तो सबको पता होगा डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बहुत ज्यादा वो डेयरिंग वर्ड यूज करता है, डेयरिंग मतलब साहस, हिम्मत। अगर हमारी कंपनी हिम्मत कर सकती है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाने की, पहले दिन से सोचा कि जो हम प्रोडक्ट लाएंगे वो घटिया क्वालिटी के और हल्की क्वालिटी के नहीं लाएंगे, हम लाएंगे तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाएंगे, और पूरी की पूरी रेंज आप देख रहे हैं वो सब इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी कंपनी ग्लोबल है, तो ग्लोबल कंपनी है तो नेचुरली स्टैंडर्ड बहुत हाई रखना पड़ेगा। वेदर इट इज आपका जेंट्स का ट्रू मैन हो, लेडीज के लिए कलर कॉस्मेटिक फ्रॉम इटली, इटली से, और हमारी जो अश्योर की रेंज है, ये रेंज पूरी की पूरी हमारी जापान की मिलेट कंपनी से है, और स्किन फॉर्मूला लाइन इज डायरेक्टली फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का फॉर्मूला है। इसी तरह से आयुषांते, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट किए जा रहे हैं, आज पूरे दुनिया में जो आयुर्वेद की डिमांड है वो इंडिया पूरी कर रही है आयुषांते और आयुष के माध्यम से, और जो हमारी पर्सनल केयर की रेंज है वो भी सारी की सारी बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास रेसिपी, और उनका निर्माण यहीं पे हमारी कंपनी के द्वारा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बना के वहां पे किया जा रहा है। तो इस तरह से जो हमारी कंपनी लेके आती है ताकि हमारे लोग वेलनेस स्प्रेड कर सके और वेल्थ कमा सके। हमारी कंपनी का एक ही स्लोगन है, क्या है, हम सब साथ में बोल सकते हैं, विश यू वेल्थ, स्प्रेड वेलनेस थ्रू वेल्थ। आप वेल्थ WELTH मतलब समृद्धि और स्वास्थ्य लो, दूसरों को दो, और साथ में वेलबींग बढ़ाओ, अपनी वेलनेस, अपनी सुख शांति और समृद्धि बढ़ाओ। तो ये हमारी कंपनी का स्लोगन है, यही हमारी कंपनी का मैसेज है, हमारी कंपनी का मेन ड्रीम गोल ही यही है कि लाखों लोगों की जिंदगी वेलनेस से भरी हो, उसके लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। बात करेंगे हमारी दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू सब याद रखेंगे, डेयर टू ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं किया तो क्या किया, आपको पता है भगवान ने 3 तरह की चीजें बनाई हैं पृथ्वी पे, पेड़ पौधे जानवर और इंसान, ये 3 कैटेगरीज हैं, बराबर yes. ये तीनों में जान है, ये सुनो yes. इन तीनों चीजों, पेड़ में जान है yes. जानवरों में जान है yes. और इंसानों में yes. और हम लोग जितने बैठे हैं सब यहीं पे है ना yes. बराबर तंदुरुस्त yes. तो हम लोग में भी जान है yes. चलिए, पेड़ों के पास दिमाग नहीं है, इमोशंस भी नहीं, राइट right? जानवरों के पास इमोशंस हैं, लेकिन जानवर भी वो सब काम करते हैं जो मनुष्य करता है, लेकिन जानवर एक काम नहीं करते, वो हमें करना है। जानवर सपने नहीं देखते, सबसे बड़ा फर्क है, जानवर सपने नहीं देखते। कभी आपने सुना है गाय ने सपना देखा कि मुझे हरी हरी घास कहां से मिले? ये प्रैक्टिकली बिलीव में, ये प्रैक्टिकली रिसर्च हो चुकी है कि जानवर सपने नहीं देखते, उनके पास भी इमोशन है, गाय भी रोती है, कुत्ते बिल्ली भी रोते हैं, उनके पास भी दिल है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, ये सब इंसानों की तरह वो भी महसूस करते हैं, लेकिन जानवर सपने नहीं देखते। तो हम लोग क्या है, इंसान है, और हमको इंसानी बने रहना है, तो ये तो फर्क ऊपर वाले ने बना के भेजा है दोस्तों, तो आज के बाद याद रहे, बना के रखिए, ये फर्क बना के रखिए, मतलब सपने देखिए,
ऑप्टिमिस्टिक है, वेस्टीज एक ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है, क्योंकि शुरुआत ही आशा से हुई, आशावादी। हमारी कंपनी की बड़ी टांगे खींची गई, एक साल में बंद हो जाएगी, दो साल में बंद आएगी, अरे 700 रुपए की ज्वाइनिंग, कह रहे 1 लाख का चेक आएगा, अरे 1 लाख का चेक तो किसी का आएगा ही नहीं, पागल हो गए, 700 रुपए की ज्वाइनिंग में 1 लाख रुपए की बात करते हैं, अरे 10 साल में 1 लाख का चेक नहीं आएगा, महीने की बात कर रहे हैं कि 1 महीने में 1 लाख का चेक आएगा, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी कंपनी जो 700 रुपए की ज्वाइनिंग देती हो 1 लाख का चेक कैसे दिला सकती है? ऐसी बातें, इंडियन कंपनी है, भाग जाएगी, दिल्ली की है, बंद हो जाएगी, यहाँ बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने क्यों ज्वाइन कर लिया, वगैरह वगैरह। शुरू में हमारी कंपनी को भी ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमारी कंपनी आशावादी थी, आशावादी है और आशावादी रहेगी, और खास बात यह उसने हम लोगों को भी बहुत ज्यादा आशावादी बना दिया है। तो हमारे देश में जो कि एक निराशावादी देश बनने जा रहा था, आज वेस्टीज आशा की किरण लेके खड़ी हुई है कि आओ, जिसके पास कुछ नहीं है और सपना है वो आ जाओ हमारे पास, आपके सपने पूरे होंगे, राइट? तो ऑप्टिमिज्म इज अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास आशा नहीं है, होप आशा नहीं है और आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर हम लोग बैक टू जानवर वाली जगह पे जाना शुरू हो जाएंगे। भगवान ने 3 कैटेगरीज बनाई है दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो हायर लेवल पे है वो बने रहना है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हुए, वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बेटर लाइफ, रिस्पेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। सभी को मालूम है वेस्टीज में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, मगर कैसे? इज्जत के साथ। आज हम लोगों को इज्जत मिलती है, जो आपके टॉप अर्नर्स है उनको इज्जत मिलती है, आज काम होगा यहाँ पे, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पैसे के साथ सम्मान जुड़ा है, और स्टेज पे आपको सम्मान देते हैं, आपकी डाउनलाइन सम्मान देती है, आपके जान पहचान वाले सम्मान देते हैं, आपकी अपलाइन सम्मान देती है, पूरा मैनेजमेंट सम्मान देता है, तो सम्मान के साथ आप पैसा कमाते हैं, ना केवल आपकी जिंदगी बदलती है बल्कि आप अपने साथ अपनी डाउनलाइन अपनी टीम की भी जिंदगी बदलते हैं। ये बात ना किसी नौकरी में है और ना किसी बिजनेस में है, ये सिर्फ वेस्टीज के साथ है। और बेटर लाइफ, नेचुरली हम लोग जो वेस्टीज के साथ जुड़े हैं और जो हम लोग ये 13 वैल्यू आज आपको बताई जा रही हैं, हम लोगों ने भी इन 13 वैल्यूज का पालन किया और हम लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी मिली, एक बेटर लाइफ हम लोग जी रहे हैं, और जो लोग इस रास्ते में चल रहे हैं वो लोग भी और बेटर लाइफ जिएंगे। वन स्टेप एट ए टाइम। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी कोर वैल्यू की, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ताजमहल सबको पता है, तो क्या ताजमहल कितने दिन में बना था? 10 दिन में कि 20 दिन में? सालों में। चलिए एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये तो पता होगा कई सालों में बना, तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, 20 साल लग गए थे, 20-22 साल लग गए तब ताजमहल बना, इसीलिए तब से बना और आज तक है और आगे भी रहेगा, बराबर? क्योंकि अच्छी चीज, कोई भी चीज हो, उसको बनने में टाइम लगता है। ये क्या लग रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, फोटो से क्या लग रहा है आप लोगों को, कोई बताएगा? माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ाई कर रहे हैं, हिमालय पर्वत मान लेते हैं, हिमालय पर्वत की चोटी पे जा रहे हैं। तो आप देखिए कि एक तरह से लीडर है, वो लीड कर रहा है कि ऐसे चलो, यहाँ पे पैर रखो, यहाँ झंडा गाड़ो, यहाँ पे सब लोग, यहाँ खड्डा है, यहाँ खाइए, यहाँ बर्फ की चट्टान है, एक एक कदम सावधानी से रखो, मतलब कदम कदम से आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। एकदम से रातों रात ओवरनाइट कोई यहाँ पे लॉटरी का टिकट नहीं करता, रातों रात करोड़पति नहीं हो सकते। हमारी कंपनी की कोर वैल्यू है, सिखाते हैं वन स्टेप एट ए टाइम, एक एक सिस्टम को फॉलो करो, एक एक रास्ता रखो, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपनी लेके आती है और बताती है कि हाँ, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी बदलेंगी। अब बात करते हैं वेस्टीज में 3 ऐसी सक्सेस के लिए जरूरी बातें हैं जो यहाँ पे नए लोग बैठे, बहुत ध्यान से सुने, मैं इसी में बिजनेस भी समझा रही हूँ। हमारी कंपनी वेस्टीज, अगर आप फॉर्म भरते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो कि फ्री है, हमारी कंपनी आपको वेस्टीज से देती है 7 तरह की इनकम। तो अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारी कंपनी आपको 3 तरह की शुरुआती इनकम दे देती है शुरुआत में। तो पहली इनकम है 20% डिस्काउंट, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। हमारी कंपनी में कहावत है शॉप एंड अर्न, शॉप एंड अर्न, शॉपिंग करो पैसे बनाओ, शॉपिंग करो कमाई करो, उल्टा। बाकी जगह हम पैसे खर्च करते हैं और
और शॉपिंग करते हैं। वेस्टीज में उल्टा है, वेस्टीज में आप शॉपिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं। और अगर शॉपिंग करवाते हैं और पैसे बनाते हैं। क्या हमने खुद शॉपिंग किया? अपनी पड़ोसी को भी बोला भैया तुम भी शॉपिंग करो वेस्टीज से, हमारी पड़ोसी को जोड़ा, पड़ोसी ने शॉपिंग किया तो और कमाई आई, फिर पड़ोसी से बोला तुम और कमाओ, तुम भी किसी को जोड़ो, तो और शॉपिंग हुई और कमाई आई। मतलब बाकी जगह पैसे खर्च करते हैं, हमारे यहाँ लोग पैसे खर्च करते हैं और पैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ एज ए कंज्यूमर। सबसे पहले हमें शॉपिंग करनी है वेस्टीज से, तो हमारी पहली इनकम आनी शुरू हो जाती है, वो है 20% का डिस्काउंट। दूसरा, वंस यू लाइक द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट्स विद एवरीबॉडी यू मीट, जिनसे भी आप मिलते हो बात करो, शेयर करो, लोगों को बताओ, तो आपको एक इनकम और आनी शुरू हो जाती है, वो है कैशबैक। आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिन पॉइंट से परफॉर्मेंस बोनस, आपको कैशबैक मिलता है 5% से लेके 17%, 5% से लेके 17% तक का पैसा एक्स्ट्रा मिलता है 20% के अलावा। ये है वेस्टीज की दूसरी इनकम जब आप दूसरा काम करते हैं। तीसरा है शेयर द बिजनेस विद अदर्स एंड अचीव सक्सेस बाय मेकिंग अदर्स सक्सेसफुल। खुद सफल हो और उसके बाद दूसरों को सफल बनाओ तो आप और ज्यादा कमाने शुरू कर देते, वो है डायरेक्टर बोनस। हमारी वेस्टीज की तीसरी इनकम डायरेक्टर बोनस, कि आप खुद सफल हुए, आप डायरेक्टर बने, फिर आपने अपने नीचे जिसको जोड़ा उसको डायरेक्टर बनाया, तो आपको कंपनी की तीसरी इनकम आनी शुरू हो जाती है, जो है डायरेक्टर बोनस, जो आपको अपनी शॉपिंग पे नहीं मिलती, जो आपको आपकी डाउनलाइन की शॉपिंग पे नहीं मिलती, बल्कि कंपनी में जितने लोग जुड़े हैं उन सब की शॉपिंग पे जो पैसा पूल बनता है, उस पूल से पैसा दिया जाता है शेयर होल्डिंग के रूप में, उसका नाम है डायरेक्टर बोनस। और ये है वेस्टीज कंपनी की तीसरी इनकम। तो तीन इनकम याद हो गई। तो ये तीनों अगर आप फॉलो करेंगे कि आप अपना बिजनेस लोगों से शेयर करेंगे, अगर प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो दूसरी इनकम, खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहला फायदा, दूसरा लोगों से शेयर करेंगे प्रोडक्ट, दूसरी इनकम लोगों को बिजनेस शेयर करेंगे, और जैसे बिजनेस में आप बढ़ रहे हैं लोगों को बढ़वाएंगे तो आपकी तीसरी इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट आपको मैं चीज बताने जा रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये है हमारी वेस्टीज की चौथी कोर वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अभी फिर से पूछ लूं, कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं, मैं देखना चाहूंगी वेस्टीज में सफलता चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी अपने सफलता की खुशी में एक जोरदार ताली हो जाए। लोग सफल होना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से ये चौथी वैल्यू को समझिए, विजुलाइज विक्ट्री। विक्ट्री को विजुलाइज करना, विक्ट्री मतलब जीत, विजय, विजय जीत, विक्ट्री, विक्ट्री को विजुलाइज करना मतलब खुली आंखों से पहले ही देख लेना। उसके लिए अब मैं हमारे एमपी के सबसे सीनियर टॉप अचीवर लीडर डबल क्राउन डायरेक्टर श्रीवास्तव जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर ये बताइए, जब ये 5 करोड़ क्लब का पिछली बार शुरुआत हुई तो आप और मैं जुलाई के महीने में डायमंड रूम में बैठे, कभी मैंने श्रीवास्तव जी से पूछा कि श्रीवास्तव जी ये जो नई स्कीम आई है 5 करोड़ वाली स्कीम फंड आया है तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है, ये क्या मतलब इसका क्या है, कितना मिलेगा, क्या लगता है आपको? तो श्रीवास्तव जी ने मुझे उत्तर दिया, 2 मिनट उसका डिटेल वो बताएंगे, लेकिन उसने मुझे चौंका दिया। श्रीवास्तव जी ने कहा, मैडम मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैंने तो देख लिया और सोच लिया कि बाली उसी समय आज से 1 साल पहले श्रीवास्तव जी ने बोल दिया कि मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे बाली जी से चेक लेना है। तो क्या पता था कि बाली जी चेक देने वाले हैं या इनको मिलेगा? नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, विजुलाइज विक्ट्री। तो दो दो शब्द, दो सेंटेंस आप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा मैं मैडम बता रही थी, जो मैं विजुलाइज किया था, मैं चाहता था कि मेरा भी जो पैसे के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था कि कितना बड़ा चेक बनेगा, इससे मुझे कितना मिलेगा, लेकिन जो मान सम्मान वहाँ मिलेगा पूरे दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के अंदर, उसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं काश स्टेज पे जाऊंगा, लाखों लोग ताली बजाएंगे, हजारों कैमरे में होंगे, मैं सोचता था। आपको पता था क्या पहले से?
जी मुझे जब मैं दिल्ली में था 2 जून को लास्ट ईयर, तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी, बहुत बड़ा फंक्शन होगा, उसमें जो चेक की राशि बांटी जाएगी, हमारे छोटे से जब बहुत लिमिटेड लोग वहाँ पे जाएंगे, तो खास मैं भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूँ और एमपी का नाम और रोशन करूँ और जहाँ से मैं सभी लोग की तरफ से उससे बातचीत करूँ। मैंने 2 जून को 12 बजे बाजी जी ने डिक्लेयर किया था और 12:10 पे डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है। क्यों ना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा दूं। तो ये आपने देखा, इसको बोलते हैं विजुलाइज विक्ट्री। मतलब श्रीवास्तव जी ने पिछले साल जब दिल्ली वीएफ में वो वहां पे थे और बाली सर ने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया कि ऐसा करोड़ क्लब बनेगा और उसमें जो अचीवर होंगे उनका बहुत बड़े लेवल पे सम्मान किया जाएगा, तो श्रीवास्तव जी ने वहीं पे देख लिया कि श्रीवास्तव जी वेस्टीज यूनिफॉर्म में टन टना म्यूजिक बज रही है और श्रीवास्तव जी जा रहे हैं, लाइट उनके ऊपर है, सारे लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं और श्रीवास्तव जी स्टेज पे जाते हैं और उनको चेक मिल रहा है। ये पिछले साल देख लिया, मतलब अभी तो आगे पता ही नहीं आता, पता नहीं, लेकिन श्रीवास्तव जी ने देख लिया। तो जब तक इस तरह से हम लोग विजुलाइज नहीं करेंगे अपनी सक्सेस को, सफलता नहीं मिलेगी। और जिस दिन आपने अपनी सपना को, अपने ड्रीम को पकड़ के रखा और उसको विजुलाइज कर लिया, उसको पहले से ही देख लिया, यकीन मानिए यह हो जाएगा। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी सफलता को, जब उन्होंने डिसीजन लिया, 12:10 पर श्रीवास्तव जी ने कहा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं 5 करोड़ के क्लब में जरूर आऊंगा, भले ही राशि कितनी। उन्होंने कहा मैडम मुझे नहीं पता मेरा चेक का साइज क्या होगा, लेकिन मैं वो सम्मान जरूर पाके रहूंगा। 12:10 पर श्रीवास्तव जी ने डिसाइड कर लिया, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर में एक बहुत बड़ा फैक्टर था दोस्तों, जो है विजुलाइज विक्ट्री। कि उन्होंने ये विजुलाइज कर लिया कि ऐसे ऐसे होगा। और एक विजुलाइजेशन मैंने भी किया था, मैं महाश्वेता को बुलाना चाहूंगी, लीडिंग लेडीज बुक लेके यहाँ पे आए। मैंने 9 साल पहले जब वेस्टीज का बिजनेस समझने के लिए मैं दिल्ली गई थी, तो उस वक्त मेरा मजाक एक लीडर ने उड़ाया था। और ये चीज जो आपको दिखाने जा रही हूँ, आप में से बहुत लोग पहचान भी नहीं पाएंगे जो यहाँ के लीडर्स हैं। ये वेस्टीज की पहली मैगजीन है। मैं चाहूंगी महाश्वेता आप यहाँ पे आए और इसका एक एक पेज जल्दी से खोल के दिखा दें। ये उस समय की बात है जब वेस्टीज में सारे जेंट्स थे, एक भी लेडी नहीं थी। उस वक्त 9 साल पहले मैं वहां पे गई और मैंने वहां पे, आप देख लें अगर इसमें एक भी लेडी की फोटो है तो मैं अभी मुंह छुड़वा दूंगी अपनी। एक भी लेडी नहीं, ये इतनी पतली सी छोटी सी, ये मेरे पास आज भी मैंने संभाल के रखी, क्योंकि ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन को दिखाया था मुझे और कहा था मैडम इंदौर वापस चली जाइए, तब मैं इंदौर में रहती थी, इंदौर वापस चली जाइए, लेडीज ये बिजनेस नहीं कर सकती, आप सिर्फ सेलिंग कर सकती हैं और आप डायरेक्टर तो बन ही नहीं सकती, और अगर बन भी गई तो कभी नाम नहीं आएगा, और आ भी गया तो कभी फोटो नहीं आएगी। तो जब उन्होंने कहा फोटो नहीं आएगी, तो उस दिन नीलिमा अंबिश ने सोचा फोटो की बात कर रहे हो, मैंने विजुलाइज किया एक कलर्ड बुक, एक मोटी बाइंडेड बुक जिसमें सिर्फ लेडीज होंगी और उसमें मेरी इतनी सुंदर फोटो आएगी कि सामने वाले पहचान नहीं पाएंगे मेरे परिवार। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि कभी लीडिंग लेडीज बुक आएगी, लेकिन मैंने क्या किया, विक्ट्री को विजुलाइज किया, क्योंकि मेरे लिए रुपए पैसा, मैं आज 5 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, होगी बड़ी बात किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए एक मान सम्मान, एक नारी के लिए एक मान सम्मान, एक लेडीज की बुक ऐसी आएगी, ये सपना देखना, उस सपने को पकड़ के रखना। और जब जब बाली सर से मिलते थे तो यही कहते थे कि सर हमने ये देखा कि हमारी कंपनी लेडीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देती है, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, और अभी आप आगे का चैप्टर वही आने जाए, हमारी कंपनी महिलाओं को सम्मान देती है और भारत में महिलाओं को आगे लाने के लिए वेस्टीज से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लेडीज, चाहे वो पढ़ी लिखी है, नहीं है, हाउसवाइफ है, इंग्लिश नहीं बोल पाती है, हिंदी भी नहीं बोल पाती है,
कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कैसी भी परिस्थिति है, बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई है, व्हाटएवर लाइफ में डिफिकल्टीज हैं, मगर प्रेस्टीज उनकी सफलता के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी जिंदगी बदल के रख लेगा। केवल आपको अपनी विक्ट्री को विजुलाइज करना है। अब इसके ये सबको क्लियर हुआ, इसमें और बताने की कोई जरूरत है? मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि हमें अपना ड्रीम विजुलाइज करना है। आइए मिलते हैं हमारे त्रिदेव से, हमारी मैनेजमेंट एक जोरदार